हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके वीवो के Y19 मॉडल में यदि इसका चार्जिंग वर्क नहीं करता है, ठीक है, इसका चार्जिंग बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से समझाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं इस वीडियो में आपके वीवो के Y19 मॉडल में इसका जो चार्जिंग वेज है उसको कम्प्लीट बताने के साथ साथ आपको समझाने भी वाला हूं कि हमें कहां पर जंपर करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख ले और उसके बाद ही अपने मोबाइल में वर्क करें। तो दोस्तों, हम यहां पर बिना किसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इसके ट्रैक को अच्छे से समझ ले और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं हमारे सामने है वीवो Y19 का, यहाँ पर ये इसका सीसी बोर्ड है और सीसी बोर्ड में जो ये हमारा चार्जिंग सॉकेट लगा है, इस चार्जिंग सॉकेट पर जो ये वाला पॉइंट है, ये है हमारा इसका चार्जिंग का प्लस वाला वोल्टेज हमारे इस वाले पॉइंट पर आता है, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा इसका माइनस का पॉइंट रहता है, ये इसका प्लस वाला है, ठीक है। जो प्लस वाली सप्लाई है वो सबसे पहले दोस्तों हमारे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आती है, ये वाला यहाँ पर दोस्तों NVP लगी रहती है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, एक ब्लैक कलर की जैसे अगर कोई OG वाला सीसी बोर्ड रहता है तो उसमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर की यहाँ पर NVP लगी रहती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस तरह की कुछ NVP होती है। NVP का मतलब होता है नेगेटिव वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके इस वाले पॉइंट पर जो ऊपर फ्रंट साइड में रहता है उसमें जाती है हमारी इसकी। दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट बताने भी वाला हूँ, सिर्फ आपको बताऊंगा ही नहीं, आपको समझाऊंगा भी हूँ कि हमारे इन कंपोनेंट को क्या कहते हैं। ये कपल डायोड होता है एक तरह से, ठीक है, दो तीन डायोड, दो डायोड साथ में रहते हैं, उसको हम कहते हैं NVP नेगेटिव वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये वोल्टेज आता है हमारे इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर जाता है और उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर इस वाले जैक के इस वाले पॉइंट पर चला जाता है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर हमारा ये वोल्टेज आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा जाता है, ये जो मेन कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर इस पर आता है, ये हमारा मेन बोर्ड है और मेन बोर्ड का जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर हमारा ये सप्लाई आती है, ठीक है। और उसके बाद जाती है हमारे इस वाले कनेक्टर के इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जाती है। और उसके बाद दोस्तों कहाँ पर आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे ये आती है सीधा इसके पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट कैपेसिटर दिखा, पीछे की तरफ जो ये सिम ट्रे लगे हैं, इस सिम ट्रे के ठीक नीचे की तरफ जो ये वाला सेक्शन है, ये है हमारा इसका चार्जिंग का सेक्शन, चार्जिंग का सेक्शन है। उसमें देख सकते हैं जो ये वाला आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं रखने वाला हूँ। ये वाला यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर ये वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर। दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, आपको कुछ भी डाउट नहीं रखूंगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज आता है, इसके ऊपर की तरफ एक कैपेसिटर और लगा है, इस कैपेसिटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जाता है ये यहाँ से इधर इस वाले कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ तक हमारी सप्लाई आती है। दोस्तों, मैं आपको डाउट नहीं रखना चाहता, इसलिए इस पॉइंट पर आती है, उसके बाद इस पॉइंट पर, और उसके बाद इस पॉइंट पर आती है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे इसकी BQIC, और BQIC सेकेंडरी पावर IC भी एक तरह से बोल सकते हैं, जिसमें PMI IC होती है उसमें PMI IC होती है, उसमें BQIC नहीं होती है, ठीक है। और जिसमें PMI IC मतलब एक तरह से सेकेंडरी पावर IC है, इसी के अंदर यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक रहता है, उसमें एक ब्लॉक हमारा इसका चार्जिंग सेक्शन का भी है, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक रहता है इसमें। और उसके बाद दोस्तों ये हमारी सप्लाई जाती है, इसके पास में एक छोटा सा कैपेसिटर और लगाएं, इस वाले कैपेसिटर के अंदर आ जाती है। उसके बाद जो हमारी इस IC के अंदर यहाँ पर इस वाले जो फर्स्ट पिन है, इस वाले पिन पर हमारी ये चार्जिंग का वोल्टेज आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो आपके चार्जर सॉकेट पर वोल्टेज मिलता है वो सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर इसकी चार्जिंग IC तक यहाँ पर पहुँचना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट पहले तो स्टेप बाय स्टेप चेक कर लीजिए कहाँ पर वोल्टेज पहुँच रहा है, कहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। अगर आपका यहाँ पर इस वाले टेस्ट पॉइंट पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इस चार्जिंग सॉकेट के प्लस वाले पॉइंट से लेकर डायरेक्ट आप यहाँ तक जंपर भी कर दो, ठीक है, तो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और अगर आपके यहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ चार्जिंग IC तक नहीं पहुँच रहे तो इस टेस्ट पॉइंट से जंपर लो और डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये हमारी जो सप्लाई है, जैसे ही इस IC के अंदर ये वोल्टेज जाता है,
ठीक है, जैसे ही इस आईसी के अंदर ये वोल्टेज आता है जो चार्जर सॉकेट से आता है, जो 5 वोल्ट के लगभग 5 वोल्ट के बराबर होता है, 4.8 या 5 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर ये वोल्टेज होता है। मतलब अगर कम वोल्टेज आता है तो भी आपकी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों हमारी इस आईसी के अंदर प्रॉपर वोल्टेज जाएगा ही नहीं, तो पहुंचेगा किसे? अगर आपकी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप चार्जर सॉकेट के प्लस वाले पॉइंट से डायरेक्ट आप यहाँ पर जम्पर करके देखो, एक बार आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इनमें इस लाइन में हमारे जो कंपोनेंट रहते हैं कई बार लीकेज हो जाते हैं, जिससे हमें शॉर्टिंग भी नहीं दिखाई देता है लेकिन लीकेज हो जाते हैं, या फिर कोई ओपन हो जाता है कैपेसिटर, या फिर कोई डायोड फॉल्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है हमारा एम्पेयर और वोल्टेज वहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर वोल्टेज और एम्पेयर हमारे इस आई सी तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से हमें स्लो चार्जिंग का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर आप जम्पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इस आईसी के अंदर ये वोल्टेज आता है तो ये आईसी वीबेट के वोल्टेज को बनाती है। ठीक है, वीबेट मतलब होता है वोल्टेज बैटरी, मतलब हमारे बैटरी पर जो वोल्टेज आता है उसको हम कहते हैं वीबेट का वोल्टेज, और वो होता है 3.7 से लेकर 4.2 के बीच, 3.7 से लेकर 4.2 के बीच ये वोल्टेज होता है। वो वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पर इसके नीचे की तरफ जो दो पॉइंट है, नीचे की तरफ एक पॉइंट इधर वाला और एक ये वाला, ये जो नीचे की तरफ जो दो पॉइंट है इस पर हमारा ये वोल्टेज निकलता है वीबेट का वोल्टेज। ठीक है, जो 3.7 से लेकर 4.2 के बीच होता है, तो जो हमारे इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर आता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आता है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कैपेसिटर और है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर भी आता है, और उसके बाद दोस्तों हमारे इस वाले पॉइंट पर जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर जाता है और इस वाले पॉइंट से सीधा हमारी बैटरी कनेक्टर पर आ जाता है। जो बैटरी कनेक्टर के पास में आप देख सकते हैं, जो ये वाला टेस्ट पॉइंट आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जो आपको ये टेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये ऊपर कुछ लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आपके ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला और इधर वाला, ये भी हमारा इसका पॉजिटिव पॉइंट है, और जो इसमें यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर और रहता है, उसमें से जो बीच वाला पॉइंट है उस पर हमारा ये वोल्टेज आता है। ठीक है, आप ये अपने मोबाइल में चेक कर ले, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो बीच वाला पॉइंट है उसमें आता है, उसके बाद हमारी इसमें आता है, और उसके बाद इस वाले पॉइंट पर आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे इसमें चार्जिंग का वेज होता है, जो ट्रैक होता है हमारे आईसी तक यहाँ पर पहुँचता है हमारे बैटरी कनेक्टर तक। ठीक है, तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका जो कंप्लीट ट्रैक है किन कंपोनेंट से होता हुआ हमारी चार्जिंग आईसी में जाता है, और चार्जिंग आईसी से किन कंपोनेंट से होता हुआ हमारी बैटरी कनेक्टर पर जाता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है कि कहाँ पर आपको वोल्टेज पहुँच रहा है और कहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह की अगर और हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर।